हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विक सपोर्ट में। दोस्तों, आज का हमारा जो युग है वो इंटरनेट का युग है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है। ये किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने की अद्भुत सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से किसी एक जगह रखे कंप्यूटर को किसी भी एक या एक से अधिक कंप्यूटर से जोड़कर जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम कुछ ही सेकंड्स में बड़े या छोटे संदेशों अथवा किसी प्रकार की जानकारी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस जैसे टैबलेट और मोबाइल में काफी आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमारे डिवाइसेस में इंटरनेट कहाँ से आता है और हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई संदेश कैसे भेज पाते हैं। हमारी डिवाइसेस में हम दो तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं, एक तो सेल्यूलर नेटवर्क से और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से। सेल्यूलर नेटवर्क को छोड़कर जब हम डिवाइसेस में इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं वो हम एक मोडेम के माध्यम से ही डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, और जो हम डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते हैं वो हम एक रूटर की मदद से कर पाते हैं जो कि इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ होता है। मोडेम और रूटर दोनों ही हमारे डिवाइस में इंटरनेट की सेवा प्रदान करने की सहायता करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है इसके बारे में सभी को जानकारी नहीं है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मोडेम और रूटर के बीच के डिफरेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मोडेम क्या होता है। मोडेम शब्द मोड अर्थात मॉड्यूलेटर और डैम मतलब डीमॉड्यूलेटर से मिलकर बना हुआ है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, यानी मोडेम सिग्नल का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। मोडेम का उपयोग दो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक दूसरे से संचार करने में किया जाता है। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि कंप्यूटर डिजिटल मोड पर कार्य करता है जबकि एनालॉग तकनीक का उपयोग टेलीफोन लाइन्स में संदेशों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मोडेम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन्स पर इंफॉर्मेशन या डेटा भेजने और प्राप्त करने दोनों के लिए किया जाता है। टेलीफोन लाइन्स एनालॉग रूप में डेटा और सूचना भेजती है, डिजिटल रूप में नहीं। इसीलिए मोडेम एक कन्वर्जन टूल भी है जो एक डिवाइस के सिग्नल को अन्य डिवाइस समझ सके ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। चलिए अब हम जानेंगे कि मोडेम कार्य कैसे करता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि टेलीफोन लाइन द्वारा केवल एनालॉग सिग्नल का ही संचार किया जा सकता है, डिजिटल सिग्नल का संचार नहीं किया जा सकता। लेकिन कंप्यूटर द्वारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करके टेलीफोन लाइन द्वारा अन्य मोडेम तक संचार किया जाता है, जहां अन्य मोडेम द्वारा फिर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करके अन्य कंप्यूटर पर प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। मोडेम का मॉड्यूलेटर पार्ट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डीमॉड्यूलेटर पार्ट एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस तरह एक मोडेम के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। जब 1962 में पहला मोडेम तैयार किया गया था तब मोडेम डायल अप हुआ करते थे, मतलब डिवाइस को ISP से कनेक्ट करने के लिए मोडेम में एक फोन नंबर डायल करना होता था। ये मोडेम फोन लाइन्स पर ऑपरेट होते थे और टेलीफोन कॉल की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते थे जिससे अधिकतम डेटा ट्रांसफर रेट 56 KBPS तक सीमित था। डायल अप मोडेम्स लोकल टेलीफोन लाइन का पूरा उपयोग करते हैं, इसीलिए एक बार में यूजर या तो इंटरनेट चला सकते हैं या वॉइस कॉल्स कर सकते हैं। अभी के समय में मोडेम्स में बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं और आज DSL और केबल मोडेम्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें ब्रॉडबैंड डिवाइसेस भी कहा जाता है। DSL मोडेम भी स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन पर ऑपरेट होते हैं लेकिन ये हायर फ्रीक्वेंसी रेंज का इस्तेमाल करते हैं। DSL मोडेम डायल अप मोडेम की तुलना में अधिक डेटा ट्रांसफर रेट की अनुमति प्रदान करता है और साथ ही ये वॉइस कॉल्स पर रोक भी नहीं लगने देते। केबल मोडेम टेलीविजन लाइन्स पर डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं जो आमतौर पर कोएक्सियल केबल्स होती है। ज्यादातर केबल मोडेम्स डेटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन DOCSIS का सपोर्ट करते हैं जो कुशलता से एक ही केबल लाइन में टीवी केबल इंटरनेट और डिजिटल फोन सिग्नल्स को आसानी से ट्रांसमिट करने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड मोडेम को हाई स्पीड मोडेम के रूप में भी जाना जाता है और आज सभी जगह इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे कि रूटर क्या है और कैसे काम करता है।
दोस्तों रूटर छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स को वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से एक साथ जोड़ता है। रूटर एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे इंटरनेट वर्किंग डिवाइस भी कहा जाता है। एक नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए रूटर को मॉडेम के साथ कनेक्ट करना होता है, इसीलिए अधिकतर रूटर में एक विशेष ईथरनेट पोर्ट होता है जिसे केबल या डीएसएल मॉडेम के ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूटर में एक सीपीयू, कई प्रकार की डिजिटल मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है। रूटर की मदद से नेटवर्क में उपलब्ध एक से अधिक कंप्यूटर को एक फिजिकल इंटरफेस कनेक्शन के जरिए उन सभी कंप्यूटर्स को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन रूटर के जरिए ये कंप्यूटर्स डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, उसके लिए रूटर को एक ऐसे डिवाइस के साथ जुड़ना होता है जो उन कंप्यूटर्स को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर सके, और वो डिवाइस होती है मॉडेम। इसीलिए रूटर की पोजीशन आपके मॉडेम और कंप्यूटर के बीच होती है। दोस्तों रूटर का काम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाना होता है। ये डेटा को पैकेट्स के रूप में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने का काम करता है। इसका मुख्य काम है पैकेट्स को रिसीव करना, और इन पैकेट्स में रिसीवर या आईपी एड्रेस रहता है। रूटर इस एड्रेस को अपने नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स के एड्रेस के साथ चेक करता है, और फिर उस पैकेट्स को सही डेस्टिनेशन रिसीवर तक पहुंचाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढकर डेटा भेज देता है। कुछ इस तरह से ये नेटवर्किंग डिवाइस काम करती है। आधुनिक दुनिया में रूटर दो प्रकार के होते हैं, एक है ब्रॉडबैंड रूटर और दूसरा है वायरलेस रूटर। ब्रॉडबैंड रूटर कई प्रकार के काम कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए और इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। वायरलेस रूटर इंटरनेट के माध्यम से डेटा को डिवाइस पर भेजता है, और इसके लिए डिवाइस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के रूप में काम करता है। इसीलिए ये डेटा को किसी अन्य केबल के बजाय रेडियो सिग्नल के माध्यम से शेयर करता है। वायरलेस रूटर एक ऐसा एरिया बनाता है जिसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, मोबाइल्स होते हैं वो सभी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड और आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अंत में बात करते हैं हम मॉडेम और रूटर के बीच क्या अंतर है। मॉडेम और रूटर के बारे में तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं। इन दोनों का काम कंप्यूटर्स को इंटरनेट की सेवा प्रदान करना होता है, लेकिन इनके बीच में कुछ अंतर भी होते हैं, चलिए उनको जान लेते हैं। सबसे पहला अंतर है, मॉडेम पारंपरिक तरीके से फोन लाइन के जरिए हमें इंटरनेट की सुविधा देता है, और रूटर का काम मॉडेम के साथ जुड़कर उससे आने वाले डिजिटल सिग्नल को एक से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइस में पहुंचाना होता है। इसका मतलब है कि रूटर हमें डायरेक्टली इंटरनेट के साथ जोड़ नहीं सकता। नंबर दो, बिना मॉडेम के रूटर हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन मॉडेम हमें बिना रूटर के भी इंटरनेट की सुविधा दे सकता है। नंबर तीन, मॉडेम केवल एक ही कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन दे सकता है, जबकि रूटर एक से ज्यादा कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क में जोड़कर प्रत्येक कंप्यूटर तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा सकता है। नंबर चार, रूटर के जरिए वायरलेस तरीके से डिवाइसेस को वाईफाई से कनेक्ट कर इंटरनेट की सुविधा दी जा सकती है, लेकिन मॉडेम के केस में ऐसा करना संभव नहीं है। मॉडेम से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डिवाइसेस को वायर या केबल की आवश्यकता होती है। नंबर पांच, रूटर लोकल नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, जैसे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल आदि के साथ जोड़कर एक नेटवर्क बना सकता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने के अलावा डेटा और फाइल्स भी शेयर किया जा सकता है, जबकि मॉडेम में लोकल नेटवर्क क्रिएट करना नामुमकिन है। इससे केवल इंटरनेट की सुविधा ही पाई जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मॉडेम और रूटर क्या है, ये कैसे काम करते हैं और इनके बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर आप घर में इंटरनेट का इस्तेमाल अलग अलग डिवाइसेस में करना चाहते हैं तो आप मॉडेम के साथ रूटर का इस्तेमाल भी जरूर करिए, क्योंकि रूटर इंटरनेट की स्पीड को और बढ़ा देता है और हर एक डिवाइस को सेम बैंडविड्थ के साथ इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, जिससे आप बिना स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपने डिवाइस में आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारी वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।